तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे सारा काम हम निपटा के और नहा धो के अपना आ गई हूँ। ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मेरा। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नहा धो ली अब, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्योंकि कपड़े धो के रखे थे रात को। रात में धोई थी मैं, सुबह उठा के ले आई थी, रात को मशीन लगा दी थी और बाल वाल धो के मैं नहा ली हूँ। अब सोच रही थी कि थोड़ा सा बाल और ऊपर कर लूँ, तो फिर सोच रही थी कि नहीं पहले कपड़ा ही तय कर लेती हूँ क्योंकि कपड़ा फैला हुआ बेड पे तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। बाकी तो सारा काम हो गया है मेरा और बस यही कपड़े वपड़े फैले पड़े हुए हैं। बच्चों के ड्रेस हैं, प्रेस करना है उन सबको, तो उनका अलग रख देती हूँ। सबका कपड़ा मैं अलग अलग तह लगा के रख देती हूँ ताकि मिल जाए। लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं, काव्या छोटी है, सुशांत तो फिर भी बड़ा है, लेकिन फिर भी एक में मिला देता है सारा, वो है ना। तो इसी तो यहाँ सब मैं कपड़े फिर से दोबारा से और कपड़े तह लगाई थी और जो बाकी बच रहा है उसे मिल जाए, लेकिन फिर भी बच्चे से नहीं मिलता है क्योंकि कपड़े ऐसे रख दो ना मशीन के धुले हुए चिंगड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं कपड़े को तह लगा के रख दूँ ताकि सिकुड़े ना। और देखिए साड़ी ये जो है ना वो सिकुड़ ही गया है, तो इसीलिए मैं टप में कपड़े उठा के लाती हूँ ना तो सब सिकुड़ जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले थोड़ा सा काम निपटा के पहले कपड़े हाथ में हाथ ही तह लगा के रख दूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले कपड़े तह लगा देती हूँ। किसी दिन मन नहीं करता है तो छोड़ देती ना तो कपड़े चिंगड़ जाते हैं क्योंकि टप में दबा दबा के रखो तो चिंगड़ जाते हैं। किचन के कपड़े हैं ये, और ये ब्लाउज का कलर ना गिर गया है और साड़ी का कलर भी गिर रहा है। ये मीशो से मंगाई थी मैं, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसका कलर गिर गया। अगर आप लोग मंगाना चाहें तो मत मंगाइएगा क्योंकि ये कलर निकल रहा है इसका। और मेरे आँख में ना रात से ही पता नहीं क्यों इतनी खुजली हो रही है, बार बार खुजला रही हूँ मैं इसे, और अच्छा भी लग रहा है खुजलाने में, ऐसे खुजली हो रही है बताइए। तो ये सारे कपड़े मैं अलग अलग तह लगा के रख दी हूँ, जिसका जिसका जो है इससे मैं आराम से उठा के रख देती हूँ सारे। तो यहाँ पे और सारे तो कपड़े हो गए, ये बच्चों के जुराब हैं। तो जुराब ना मैं टोकरी में रखती हूँ, ऐसे तह बना के फोल्ड बना के रख देती हूँ ताकि बच्चों को आराम से मिल जाए। और ये तौलिया भी है जो मैं वॉश बेसन के पास टांगती हूँ, उसमें का दो है तो एक टांग देती हूँ, एक धो के रख देती हूँ। और ये साड़ी देखिए, इस साड़ी में ना पिंक वाला जो दिख रहा है वो, और नीचे का जो बैगनी वो नहीं कलर गिरा है, जो बीच का हरा वाला है ना वो हरा वो वाला गिर गया है। तो इसलिए ना साड़ी मतलब नहीं मन करता पहनने को, लेकिन फिर भी पहन लेती हूँ कभी कभार क्योंकि इतना पतला इतना हल्का है ना, बहुत अच्छा लगता है समझ लीजिए। और ब्लाउज में भी जो कलर है वो भी गिर गया है। तो यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े फोल्ड की थी उसको सब अपने अपने जगह पे रख दूँगी, जिसका जहाँ रखा जाता है वहाँ पर रख देती हूँ। अपनी साड़ी अपनी जगह पर रख देती हूँ और बच्चों के कपड़े मेरे सूट वूट जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ पर रखती हूँ, वहाँ पर रख दे रही हूँ। काव्या के कपड़े हैं और ये सब चीज़ें वैसे मतलब थोड़ा बहुत जो है इसमें रह जाता है अलमारी में। और इस अलमारी में सुशांत के कपड़े, ड्रेस, ये सब चीज़ें बच्चों के, इनके पापा के, चादर वगैरह, ये सब चीज़ें मैं उसमें रखती हूँ अलमारी में क्योंकि इसे रोज़ निकालना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसमें रखती हूँ। और ये जो है टोकरी देखिए, इसी में जुराब करके रखती हूँ ऐसे ताकि बच्चों को मिल जाए ना, तो सारा सामान सारा कपड़ा बिखेर देते हैं वो सब। तो यहाँ पे सारा काम अंदर करने के बाद से मैं किचन में आ गई हूँ। और क्या बोलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप इतना तेज़ निकला है ना कि पूछिए मत ना। तो यहाँ पे मैं चावल रख दे रही हूँ। सुबह मैंने दाल रोटी और पास्ता बनाई थी क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है, वो 8 बजे से जाते हैं और 11:30 बजे आ जाते हैं। तो सुशांत को तो लंच नहीं चाहिए लेकिन काव्या ना रोने लगती है लंच के लिए। उसे पता नहीं क्या है, अगर आप उसे लंच हाथ में मतलब साथ के साथ नहीं दोगे ना तो फिर वो मुंह बना लेती है। और इधर देखिए माचिस से मैं गैस जला रही हूँ क्योंकि मेरा लाइटर ख़राब हो गया है। लाइटर उस दिन ना इसी में मैं मतलब जला के और इसी में पता नहीं क्या ऐसे गिर गया और एकदम आग पूरा भभक्का निकल गया, पूछिए मत ना। तो माचिस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो आज मार्केट जाना है, सामान लाना है घर का, शॉपिंग कपड़े वगैरह सब जो भी, तो लाइटर भी ज़रूर ले आएंगे। तो मैंने चावल रख दिया है यहाँ पर और बर्तन निकाल ले रही हूँ कि चावल लेके आऊँ फिर उसे धो के डालूँगी। तो मैं चावल वावल ले आई हूँ और चावल मैंने धो के रख दिया। ये वाली जो टोकरी है ना सच में बहुत आराम मिलता है इसमें, बहुत आसान है काम करना क्योंकि गिरने उड़ने का तो कुछ डर नहीं लगता है। इसमें आराम से दाल चावल सब्जी धो के रख दो, पानी निकल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सारा पानी निकल जाता है और गिरता भी नहीं है। तो चावल रख दिया बनने को और इधर दाल भी बन रहा है देखिए आप लोग।
और क्या बोलते हैं, जो भी पानी उन्हें गिरा रहता है ना, मैं हाथ के हाथ पोंछ देती हूँ ताकि किचन एकदम साफ़ रहे। मेरी आदत है, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करती मैं ज़रूर पोंछती हूँ, आदत पड़ गई है मुझे। कपड़ा मेरे पास ही रहता है, मैं साफ़ करती रहती हूँ इसे। आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, बताइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे दाल है, सुबह बन गई थी मिक्स दाल, और इधर मैं चावल रख दी, इसमें रोटी हैगी, और बर्तन वर्तन सब धो के रख दी हूँ, साफ़ हो गया सारा किचन। और इधर देखिए सारा काम भी मैंने कर ली, सुबह उठी सुबह से, मतलब जब तक पूरा काम निपटा दी थी। मैं बोली ब्लॉक में क्या है, अपना डेली रूटीन का तो यही सब है, सबको पता ही है। तो सारा मैंने सुबह ही काम वाम कर और के अपना फ्री हो गई थी। नहाई नहीं थी, बस लेट से नहाई हूँ आज, इनके पापा पूजा वूजा कर लिए थे नहा धो के। तो सारा क्लीन कर दी, घर द्वार सब साफ़ कर दी मैं। अब बच्चे के आने वाले हैं, बच्चे टाइम देख रही थी। तो इधर देखिए बच्चे स्कूल से आ गए, पेपर दे के आ गए और खाना खा रहे हैं। मैं भी खा ही रही थी, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा दाल चावल, क्योंकि जब तक सब्जी ना रहा तो अच्छा नहीं लगता है। और काव्या देखिए बिल्ली की जैसे कहाँ बैठ गई है, ये ऐसे ही ना छुप छुप के कोने में इतनी सी जगह में बैठ जाती है। एक तो पतली सी है ही, और इतनी इतनी सी जगह में बैठ जाती है, देखिए है ना। तो आ जाइए। तो इधर हम सब बाजार जा रहे हैं, मार्केट रेडी हो गए हैं। बोतल रख लो इसमें, क्योंकि इसे बहुत प्यास लगती है। रख लिया, ये भी देखो, ये 20 रुपए। ये रही काव्या, अभी रेडी हो गई है। चलो चलो चलो, तो आप चाबी ले लूं, ताला लगा दूं। दे, चलो ऊपर गेट लगा है। तो यहाँ हम मार्केट में आ गए हैं, कपड़े की दुकान पे। पहले सुशांत और उनके पापा के लिए कपड़े ले लेते हैं, जो भी लेना जो भी पसंद आ रहा है, तो पहले उन्हें उनका देख लेते हैं हम। सुशांत भी पसंद कर लेगा, और मैं भी उनके पापा के लिए देख लेती हूँ पहले। तो यहाँ से तो हमने कपड़े उपड़े ले लिए, और धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो काव्या से बोल रही थी कि छतरी लगा ले, देखिए। तो हम मार्केट से आ गए अब सामान वामान लेके। इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप हो रही, देखिए शक्ल कैसी हो गई, गए थे कैसे और हो गए कैसे, देखिए। तो बाहर बहुत तेज से धूप हो रही है, सच में पूछिए मत ना। तो मैं हम लोग दिखाते आप लोगों को कि हम क्या क्या लेके आए हैं मार्केट से। तो ये आया बाजार से, सबसे पहला नंबर ये है, ये पायल लाई हूँ। पायल मेरा टूट गया था, कई बार जुड़वाए थे फिर भी टूट गया, तो ये पायल लाए हैं। यहाँ से देखिएगा साफ से, किसमें लगाने वाला, बताइए कि डिजाइन कैसा लग रहा है, इसका फोटो खींच लेना। तो ये हो गया। और ये बोतल हो गया, ये रस्सी लाई हूँ मच्छरदानी लगाने के लिए, और कटहल है उसी में, कटहल एक कटहल है सब्जी लगाने के लिए। तो ये तो हो गया पूरा, अब ये हो गया शॉपिंग। ये क्या है, लाइटर। अच्छा हाँ, लाइटर हमारा जल गया था, गैस में लग के, तो लाइटर लाई काव्या ने कर दिया लाइटर।
और ये रहा एक शर्ट सुशांत अपने लिए लिया है, देखिए इसे यहाँ पे रखिए। और ये एक टी शर्ट लिया है जिसका जेब दी दिया है बाजू पे, जिसका जेब बाजू पे दिया है, देखो डिफरेंट डिजाइन है वो, डिफरेंट डिजाइन। ये रहा ये किए, तो ये तो इनका हो गया सुशांत का। और ये इनके पापा के लिए है व्हाइट टी शर्ट, देखिए। और ये मैं ली हूँ येलो, ये रहा सही है, ये रहा, ये हो गया। और ये लाई हूँ मैं अपने लिए, सूट लाई हूँ मुझे पाकिस्तानी सूट जो बोल रहे हैं आजकल चल रहा है ना पाकिस्तानी सूट, तो उसमें का लाई हूँ। इसका प्लाजो ये रहा, पैंट है, पैंट है, प्लाजो नहीं है, ये रहा पैंट। और काव्या का मुंह लटका हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका पैंट, देखिए। और काव्या का मुंह लटका हुआ है, काव्या का कपड़े लाई हूँ मैं पहले ही, काव्या के ला दी थी। और ये इसकी चुन्नी है, तो बहुत अच्छे प्राइस में मिला है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सूट। आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, अगर आप किसी को लेना हो तो अपने मार्केट में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे मिल जा रहा है ये सब। ये रहा ये सारा हो गया काव्या, ये देखना। और ये देखिए मेन चीज घर का, जो बहुत दिनों से सोच रहे थे, जब से हमारा टैग लगा हुआ जब से सोच रहे थे लाने के लिए, इनके पापा भी कह रहे थे लाने के लिए, तो आज मैं गई हूँ मार्केट, तो मैं सोची हूँ क्या ले चलती हूँ, पैसे तो उठ ही जाते हैं। दिखा दीजिए सुशांत जी, देखो एक तो ये बकेट निकालो, और इसी का वो भी होएगा एक डंडा, ये क्या लगा है, ये तो साफ हो गया डंडा का, इसका ये रहा इसका डंडा कंधा। तो मैंने लिया ही नहीं मैं कि ऐसे करते करते तो आएगा ही नहीं, मिला है ये हमको 600 रुपए का। हाँ मीशो पे भी ऐसे ही है, पर उसमें कंपनी का उधर 800-900। हाँ तो मीशो के कंपनी का, मीशो पे ना कंपनी का है 1200-1300-1100-1000 का। और एक कंपनी का था गाला, वो था 900 रुपए का। हाँ तो सेम एक ही दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, हटो तो मैंने यही ले ली 600 रुपए का। बताइएगा 600 रुपए ज्यादा तो नहीं है ना, सही है, नीचे व्हील भी लगा है। जो भी देख रहे हैं वीडियो को और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को वो भी बताइएगा आप लोग, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ये मेरी लड़की है ना इतनी परेशान करती है कि मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ छेड़ती रहेगी। और नीचे व्हील भी दिया सर खाने के लिए, तो यहाँ पे सुशांत देख रहा था और रख रहा था, मैं बोली कि ले जा आप देख लिया, अब इसे उठा के रख दे, ले जा पापा आएंगे तो देख लेंगे। हाथ पे दाना निकल रहा है, ले जाओ रख दो उधर, बड़ा भारी है। इतना चावल कौन गिराता है ये हैं? पूरा अच्छी तरीके से पोंछ दिए, बता रही मैं तुझे। काव्या गिराई है, काव्या गिराई है, मैं काव्या इतना अच्छा था बच्चा हूँ। हाँ जितना खाना उतना खाओ, मुझे नहीं खाना है। तो आ जाइए आप लोग से बात कर लेते हैं। तो यही सब आज शॉपिंग हुआ है, और बताइएगा आप लोगों को मेरा सूट और मतलब जो भी चीज़ें हैं कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं अब कुछ दिन, कुछ टाइम और है, कुछ दिन और हैं, और जब जाएंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा तो आप लोगों को पता पड़ेगा, फुल वॉच टाइम करके देखिएगा। और कहाँ जाएंगे घूमने बच्चों को लेके वो भी दिखेगा, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो ब्लॉग को सोच रहे हैं यहीं रहने देते हैं, यहीं तक का, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग भी अच्छे रहिए, हम भी अच्छे से हैं, खाइए पिए मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय।